साहब वो योद्धा है, जब जब उन पे ऐसे आघात होते हैं तो वो बहुत ताकत के साथ में सामने उभर कर आते हैं। उन्होंने अपनी ताकत समूचे देश को दिखाई है जी। तो हम सर उसमें क्या दुख मनाए कि हमारे पार्टी का सिंबल चला गया या हमारे पार्टी का नाम चला गया। हम तो खुशी उसमें मनाते हैं कि आदरणीय शरद चंद्र पवार साहब हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे, उनके विचार हमारे साथ है और हमेशा रहेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। और अशोक चव्हाण जी के जाने के ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? सर जाने वाले को कौन रोक सकता है, जाने वालों को तो सिर्फ बहाने होना चाहिए होता है जी। मैं समझता हूँ आज जो कांग्रेस पार्टी ने अशोक चव्हाण जी को इतना सब कुछ दिया, उसके बाद भी कुछ मजबूरियों के तहत अशोक चव्हाण जी अगर बीजेपी में चले गए तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसे जो व्यक्ति जाते हैं वो कभी इतिहास नहीं लिखते, इन्हें मौका मिलता है इतिहास लिखने का, लेकिन वो इतिहास नहीं लिख सकते। आपको याद होगा अगर इन्हीं के तरह अगर सरेंडर अगर राजगुरु जी हो जाते, शहीद भगत सिंह जी हो जाते, आपके महात्मा गांधी जी हो जाते, वल्लभ भाई पटेल जी हो जाते, तो क्या सर वो इतिहास लिख पाते? मैं तो कहता हूं कि अशोक चव्हाण जी को बहुत अच्छा मौका मिला था, उन्होंने खुल के कहना चाहिए था बीजेपी को, जो आपको करना है करिए, मैं आपसे नहीं डरूंगा, मैं कांग्रेस के साथ हूं, कांग्रेस के साथ रहूंगा। लेकिन आज जिस कांग्रेस ने इतना सब कुछ देने के बाद अशोक चव्हाण जी अगर कुछ हालात की वजह से उधर चले जाते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।